हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनिल फोलियो में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, चुनाव का माहौल है हमारे देश में और बहुत सारे रीजंस के चलते हमारे बीएससी और एनएससी में भी बहुत उथल पुथल मची हुई है। कभी 500 पॉइंट्स ऊपर तो कभी 300 पॉइंट्स नीचे, ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। तो इसी उथल पुथल में हमें ऐसे मौके ढूंढने चाहिए कि हम अच्छी कंपनी का शेयर इसी उथल पुथल में कम दामों में खरीद सकें और आने वाले समय में जब स्टेबिलिटी आ जाए मार्केट में तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो ऐसी ही एक कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बहुत ही बढ़िया दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र की। तो इस कंपनी का एक एनालिसिस हम लोग आज करेंगे इस वीडियो में। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसकी हिस्ट्री, इसके आने वाले न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसका प्राइस रेंज भी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। कौन सा प्राइस रेंज हो सकता है जिसमें अगर इस कंपनी के स्टॉक को हम खरीदें, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, तो आने वाले 2 से 3 सालों में एक बेहतर मुनाफा हमें मिल जाए, कुछ अच्छा बढ़िया परसेंटेज हम कमा के निकल सके। वैसे तो ये कंपनी 2 या 3 साल वाली है ही नहीं, ये कंपनी 10 साल 15 साल होल्ड करना चाहिए और हम उम्मीद कर सकते हैं कि बढ़िया मुनाफा, कई गुना मुनाफा हमें मिले। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले और भी वीडियोस अच्छे एनालिसिस के कंपनीज के आपको मिलते रहें और आप लगातार अच्छा निवेश का डिसीजन ले सकें। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट आज की कंपनी नहीं है, ये गोदरेज ग्रुप का एक हिस्सा है। गोदरेज ग्रुप 120 साल पुराना ग्रुप है, ये 1897 में शुरू हुआ था, तो लगभग 120 साल पुराना एक ग्रुप उसकी एक कंपनी है और ये अभी इंडिया में नंबर सेकेंड पर आती है बाथ सोप मेकिंग में। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो बाथ सोप बनाती है। ये इनोवेशन के लिए जानी जाती है। 1919 में भी इन्होंने दुनिया का पहला ऐसा साबुन लॉन्च किया था जिसमें एनिमल फैट का यूज नहीं हुआ था। तो इनोवेशन और बेटर प्रोडक्ट इस कंपनी की हिस्ट्री रही है। 1974 में इन्होंने हेयर कलर लॉन्च किया, हेयर डाई जो आता था गोदरेज लिक्विड हेयर डाई, उसको लॉन्च किया। बाद में इन्होंने देखा कि लिक्विड हेयर डाई से ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा कन्वीनियंट होगा कस्टमर्स के लिए अगर ये इस प्रोडक्ट का पाउडर फॉर्म लेकर आए, तो ये बाद में इसका पाउडर फॉर्म भी लेकर आए और अभी मार्केट में इनका 1/4 मतलब 24% का मार्केट शेयर इनका हेयर कलर का है। तो एक दिग्गज कंपनी हेयर कलर के सेक्टर में भी। और इसने बाद में गुड नाइट और हिट बनाने वाली कंपनी ट्रांसलेक्ट्रा को एक्वायर किया और इसके ब्रांड्स को भी इसने एक्वायर किया और इसका पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थोड़ा इंसेक्टिसाइड्स के लिए भी बढ़ गया। बाद में इसने कॉइल्स और जो इसकी टिक्किया आती थी गुड नाइट की, उसके अलावा उसमें वेपोराइजर्स जो आते हैं और पुश बटन वाले और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उसी के प्रोडक्ट्स, डिफरेंट वर्जन लेकर आई है और बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ग्रोथ को ये कंपनी कर रही है, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ही अच्छे पाथ पे भी है। होम केयर में अगर हम देखें तो ये हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि अभी आपको मैंने बताया हिट और गुड नाइट इसके मेन ब्रांड है, उसमें ये नंबर 1 सेलिंग कंपनी है इंडिया में, इसके प्रोडक्ट्स नंबर 1 है और सोप्स में ये इंडिया में दूसरे नंबर पर आती है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, साउथ अफ्रीका में, इंडोनेशिया में भी इनका प्रोडक्ट चलता है, वहां पे भी पर्सनल केयर्स में और हेयर कलर्स में इनके प्रोडक्ट लॉन्च है और जो वहां पर नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन ये होल्ड करती है। तो इसको पता है कि बिजनेस कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है और कस्टमर्स को अपने साथ रिटेन कैसे रखना है, कैसे हम एक अच्छा मार्केट शेयर को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कंपनी इस चीज को जानी जाती है इस चीज के लिए और उसके साथ ही आगे बढ़ रही है। ये कुछ इसके ब्रांड्स हैं, गोदरेज नंबर 1 साबुन, गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर, हिट जो स्प्रे आता है, गुड नाइट और गोदरेज नूपुर मेहंदी, ये सारे इसके बढ़िया बढ़िया इसके पास इसके पोर्टफोलियो में ये सारे ब्रांड्स आते हैं। अभी रिसेंटली इसने एक और हैंड वॉशिंग के लिए एक नया डिफरेंट ब्रांड लॉन्च किया, प्रोटेक्ट करके, आपने शायद टीवी पे उसका एड भी देखा होगा। तो ये सारे इसके ब्रांड्स हैं। पिछले 10 सालों में अगर इस कंपनी की परफॉर्मेंस हम देखें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम देखें, तो इसने नेट सेल जो है 2008 में इसकी नेट सेल्स लगभग 1133 करोड़ की थी और जो कि 2018 में बढ़कर 9862 करोड़ की नेट सेल्स इस कंपनी की हो गई। तो लगभग 8 गुना इस कंपनी ने अपने नेट सेल्स को बढ़ाया, मार्केट शेयर को अच्छा इन्होंने मेंटेन किया या उसको बढ़ाया।
एबिट्टा 216 करोड़ जो कि बढ़कर लगभग 2000 करोड़ का एबिट्टा इन्होंने 2018 में पोस्ट किया, तो हम देख सकते हैं लगभग 10 गुना की बढ़ोतरी इन्होंने एबिट्टा में की। नेट प्रॉफिट इनका 159 करोड़ था 2008 में जो कि बढ़कर हो गया 1442 करोड़ रुपए, तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स में, अपने नंबर्स में बहुत अच्छा ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। इनका पोर्टफोलियो 2008 में पर्सनल वॉश और हेयर केयर इनका मेन पोर्टफोलियो का मेन सेल का पोर्शन हुआ करता था। 51% ये पर्सनल वॉश में होल्ड करते थे और 22% इनका हेयर केयर का पोर्टफोलियो था। 2018 में इन्होंने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया और पर्सनल वॉश को इन्होंने 18% इनका पर्सनल वॉश है अभी और हेयर केयर इन्होंने 32% पर और हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स को 26% पर ये लेकर आए। जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं मच्छरों की समस्या कुछ ज्यादा ही इंडिया में हो गई है, उसके चलते इंसेक्टिसाइड्स के बिजनेस में इनको अच्छा मुनाफा, अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इनको दिख रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम इस कंपनी की देखें तो 2014 में इन्होंने लगभग 40,000 मिलियन का रेवेन्यू पोस्ट किया था, 2018 में इन्होंने 53,000 मिलियन का रेवेन्यू पोस्ट किया। नेट प्रॉफिट भी बढ़कर इनका 2018 में लगभग 10,000 मिलियन का हो गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो लगातार इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, 13.84% था 2014 में जो कि 2018 में 18.67% का नेट प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने पोस्ट किया। दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है तो मान लीजिए कि उसका अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया या कुछ इन्फ्लेशन या उसको कुछ इंटरेस्ट उसको ज़्यादा देना पड़ा या कुछ भी उसको प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो जाए, और अगर लॉस मेकिंग कंपनी हो गई तो फिर मेरे जो स्टॉक्स हैं उनकी कीमत भी टूट जाएगी और हमें लॉस उठाना पड़ जाए शायद। तो हमें ऐसी कंपनियों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, हमें उसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे मौके देखने चाहिए कि कब ये बढ़िया कंपनी अच्छे दाम में हमें मिले और हम उसका मौका अच्छा फायदा उठाएं और उस कंपनी में निवेश कर लें। तो अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी का देखें तो 2014 में 20.43 था जो कि बढ़कर 2018 में 26.06 हो गया। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप सभी जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कंपनीज की हेल्थ के बारे में, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका बहुत अच्छा है, 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी 2018 में था। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15 से ऊपर एटलीस्ट होना चाहिए किसी भी अच्छी कंपनी का। 2018 में इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया प्रोटेक्ट, ये इनके हैंड वॉश सेगमेंट का ही एक नया ब्रांड है, एक नया प्रोडक्ट ये लेकर आए, नए इनोवेशंस के साथ ये लेकर आए। भारत में लगभग 10% लोग जो है वो हैंड वॉश का यूज करते हैं और 99.9% लोग हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो साबुन को इस्तेमाल करते हैं वो प्रेफर करते हैं कि लगभग 10 रुपए से नीचे का साबुन उनको मिल जाए, तो बहुत ही कम पैसा लोग खर्च करना चाहते हैं हाथ धोने वाले साबुन के ऊपर। लेकिन अब लोग, चूंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है और लोगों की जो सोच है वो बदल रही है, और इसलिए हैंड वॉश के सेगमेंट को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है और ये लगभग 15% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से ये बढ़ रहा है, जबकि जो साबुन का सेगमेंट है, नॉर्मल सोप का सेगमेंट है, वो लगभग 6% के CAGR से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ लोग देखते हैं, कंज्यूमर्स ढूंढते हैं कि वैल्यू फॉर मनी उनको मिल जाए, तो लगभग 70% जो हैंड वॉश का मार्केट है वो रिफिल बॉटल्स का मार्केट है। लोग एक बार जो कि एक बार बॉटल खरीदते हैं और उसके बाद हैंड वॉश की, और उसके बाद उसको रिफिल करना प्रेफर करते हैं, ये फिर से हैंड वॉश की बॉटल के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते। तो ये एक एट अ ग्लांस आप हैंड वॉश को देख सकते हैं, हैंड वॉश इंडस्ट्री को देख सकते हैं। इसका ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये लगभग 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो सकती है। अब लोग क्यों इसको स्विच कर रहे हैं सोप से हैंड वॉश के ऊपर अब लोग प्रेफर कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि सोप जो है, बाथिंग सोप जो है, वो नहाने के लिए बनाया गया है और वो एंटीबैक्टीरियल ज़्यादा क्वालिटी सोप्स में नहीं होती है, और चूंकि जर्म्स और बैक्टीरिया जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हमें अगर एंटीबैक्टीरियल सोप से अगर हम हैंड वॉश करेंगे तो बीमार होने के खतरे थोड़े कम हो जाएंगे। ये एक सोच है लोगों की,
किड्स को ज्यादा पसंद आता है रादर देन साबुन से हाथ धोने के बजाय वो हैंड वॉश जो बॉटल है उससे सोप लेके लिक्विड सोप लेके हाथ धोना पसंद करते हैं। ये मेल्ट भी नहीं होता है और अब एक स्टेटस सिंबल भी हो गया, अगर हमें वॉशरूम में या कहीं पर हाथ धोने के लिए साबुन रखा मिलता है तो हमें थोड़ा अच्छा फील नहीं होता, और वहीं अगर हैंड वॉश लिक्विड हैंड वॉश रखा होता है तो हमें थोड़ा अच्छा फील होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन जो कि ड्राइव कर रहे हैं इस सेक्टर की ग्रोथ को। कुछ हर्डल्स भी हैं इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए। लगभग एक सर्वे में 61% लोगों ने बोला कि ये बहुत एक्सपेंसिव है साबुन की तुलना में, जाहिर सी बात है हैंड वॉश एक्सपेंसिव आता है। कुछ लोगों ने बोला कि ये अवेलेबल ही नहीं है, और 18% लोगों ने बोला इसका कोई खास यूज नहीं है, जो काम साबुन करता है वही काम हैंड वॉश भी करता है। तो अभी हर्डल है, मेन हर्डल इसका प्राइस है, लोग इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। अभी जो एवरेज प्राइस है वो साबुन की तुलना में हैंड वॉश का एवरेज प्राइस बहुत ज्यादा है। इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए ये एक नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, प्रोटेक्ट। ये प्रोटेक्ट इन्होंने 35 रुपए और 15 रुपए के पैक में इन्होंने लॉन्च किया है। ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, पाउडर के फॉर्म में है, इसको मिला पानी में मिलाने से एक सोप बन जाता है और ये लगभग चौथाई दाम में उपलब्ध है जो कि नॉर्मल हैंड वॉश का कीमत होती है। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी कम दामों में बेहतर प्रोडक्ट उपलब्ध कराने के लिए लगातार रिसर्च करते रहती है और लॉन्च करते रहती है अपने प्रोडक्ट्स को। आप सोचेंगे कि ये सब चीजें क्यों इम्पोर्टेंट है किसी कंपनी के लिए, हमें इनसे क्या करना, लेकिन हमें ये देखना चाहिए निवेश करने से पहले कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितना एग्रेसिव है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, कौन से स्टेप्स उठा रही है ताकि वो मार्केट शेयर को ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कर सके। और जाहिर सी बात है अगर कोई कंपनी बिजनेस कर पाएगी तभी तो वो नेट प्रॉफिट अच्छा कर पाएगी, और अगर नेट प्रॉफिट अच्छा कर पाएगी तभी हमारे शेयर का दाम बढ़ेगा और प्राइस हमें अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर कोई कंपनी सोचती है हाँ ठीक है हम तो अच्छा सेल ऑलरेडी कर रहे हैं इट्स ओके, तो मार्केट में कंपटीशन की कमी नहीं है, कोई नया कंपटीटर जरूर आएगा और उसके जो शेयर है उसको भी खत्म कर देगा और नया ब्रांड लॉन्च होकर वो मार्केट शेयर को एक्वायर कर लेगा। तो इसलिए एक बढ़िया कंपनी होने के साथ साथ हमेशा कंपनी कितना एग्रेसिव है नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है, किस दिशा में कदम उठा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जरूर देखना चाहिए ये सारी चीजें। तो प्रोटेक्ट के साथ ही इन्होंने अपने गोदरेज हेयर कलर सेगमेंट में एक और नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, वो है गोदरेज 5 मिनट हेयर कलर। अब इसमें क्या नया है, इसमें ये नया है कि ये दाम इसका दाम बहुत कम है, 25 रुपीज में, जो कि कंपैरिजन में इसका एक और जो गोदरेज क्रीम का शीशा आता था वो 35 के अराउंड आता था शायद, अब वो 25 रुपीज में ये नया एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं। इसको इन्होंने इजी 5 मिनट शैम्पू हेयर कलर करके ये प्रमोट कर रहे हैं। अब ये इजी क्यों है, क्योंकि इसको जस्ट एक शैम्पू के जैसे आपको यूज कर लेना है, इसमें आपको कुछ मिक्स नहीं करना है, किसी की हेल्प नहीं चाहिए लगाने के लिए, और ये सारे इसके फायदे हैं। तो लोग आजकल बिजी लाइफ है लोगों की, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के इन सब चीजों में अपना टाइम स्पेंड करें, तो लोग इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे कि हाँ भाई शैम्पू करना ही है, उसके जगह पर ये यूज कर लिया, हमारा हेयर कलर भी हो गया, शैम्पू भी हो गया, दोनों काम हो गए। तो लोग ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, दाम भी कम है, तो इनको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस प्रोडक्ट में मिल रहा है और मिलने वाला है। तो ये एक सिंबल है कि कंपनी हैंड वॉश में भी और कलर सेगमेंट में भी लगातार बहुत ही अच्छा इनोवेशंस और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है। तो अब अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो प्रमोटर इसको 63% होल्ड करते हैं और FII इसको लगभग 27% होल्ड करती है। तो मेजर होल्डिंग प्रमोटर्स और FII के पास है, और ये एक बहुत ही अच्छा सिंबल होता है किसी भी कंपनीज के लिए। हमें देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस कंपनी को होल्ड करते हैं, बाकी के होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। तो जो मार्केट में रिटेलर्स हैं उनके पास बहुत ही कम परसेंटेज इस कंपनी के शेयर्स के हैं। प्राइस रेंज अगर हम देखें किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज कहलाती है, हमें निवेश एक इंट्रिंसिक वैल्यू पे करना चाहिए, जब भी मार्केट टूटे तभी निवेश करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं अभी बीएससी करेक्शन मोड में ही है, तो इसका भी प्राइस एक अच्छे भाव पे अभी चल रहा है, ये 670 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। थोड़ा और अगर ये टूट जाए 500 से 600 का प्राइस रेंज अगर हमें मिले तो बहुत ही अच्छा प्राइस हम कहलाएंगे, एक बढ़िया डील कहलाएंगे इस स्टॉक को खरीदने के लिए।
और 1200 से 1300 का भाव हम उम्मीद कर सकते हैं 2 से 3 साल में। हालांकि ये कंपनी 2 से 3 साल वाली नहीं है, ये कंपनी है 10 साल 15 साल रखने वाली, क्योंकि कब ये कंपनी नेट प्रॉफिट इसका होना बंद हो जाएगा। हम ये कंपनी तो बढ़िया पाथ पे है, बढ़िया ग्रोथ कर रही है, तो इसके शेयर को क्यों सेल करना है, इसको रखिए और एक अच्छा मुनाफा, कई गुना मुनाफा इस कंपनी से कमाइए। निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, मेरे या किसी के भी कहने पे किसी भी स्टॉक में निवेश ना करें। और ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एक एनालिसिस है इस कंपनी के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा और क्या और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।